जानकारी लेते हैं कि सुमन यादव जी जो प्रदेश प्रभारी हैं, आज दूसरा दिन हो गया है, इतने जन सैलाब को लेकर यहाँ बैठी हुई हैं, अपनी मांग को लेकर बैठी हुई हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है, उसके बाद में आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्हें क्या आश्वासन दिया है। सुमन यादव जी, आज आपको दो दिन हो गए यहाँ ये जन सैलाब को लेकर बैठ के, क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई है? सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, हमारे साथी बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना उन्होंने किसी बात से पूछवाया है, ना बुलवाया है, कुछ भी नहीं पूछा गया है हमसे। मतलब अभी जैसे मंच पे चल रहा है कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि उग्र प्रदर्शन होना चाहिए और एक तरफ शांति प्रदर्शन होना चाहिए, तो आप किस में ज़्यादा समझदारी समझते हैं? सर जी, हमारा 1 बजे PMO घेरने का, PMO पर बैठने का ऐलान था 1 बजे का, लेकिन हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी को ये सूचना प्राप्त हुई है कि 5 बजे कैबिनेट की बैठक है, उसमें कुछ फैसला लिया जा सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई आंदोलन करें या सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम अपनाएं, लेकिन हम मजबूर हो गए, हमारी रोजी रोटी चली गई है, आज हम इंतजार कर रहे हैं 5 बजे तक का। अगर 5 बजे की कैबिनेट की बैठक में हमारे लिए कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो हम रात में PMO पर बैठेंगे, हम रात में PMO दे रहे हैं। हम चाहते हैं, मोदी जी ने कहा था कि शिक्षा मित्र उनकी जिम्मेदारी है, मोदी जी अपना वादा निभाएं, उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश करें, समान कार्य समान वेतन हमें दें, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, और 2 साल में हम अपना PTT करके हम आ जाएंगे।